तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय वाइटी चैनल हेयर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि हमें जनवरी के फर्स्ट वीक में यहाँ पे कौन कौन से डिवाइसेस के लिए MIUI 12.5, 12.5 एनहेंस, एंड्रॉयड 11 के अपडेट्स कौन कौन से डिवाइसेस के लिए यहाँ पे रिलीज़ किए गए हैं, तो आज की इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू करने से पहले, अगर आपने मेरा अभी तक YT चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब जल्दी से मेरा YT चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिए और शेयर भी कर लीजिए, क्योंकि मैं अपने ऑफिशियली YT चैनल पर Xiaomi की तरफ से जो भी यहाँ पे न्यूज़ या अपडेट्स आती है वो मैं आपको सबसे पहले यहाँ पर बता देता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को अब हम यहाँ पर शुरू कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो सबसे पहला डिवाइस आता है उसका नाम है Redmi 9A। तो Redmi 9A में MIUI 12.5 एनहांस का अपडेट 12.5.1.0 RCD MIXM ग्लोबल स्टेबल अपडेट है। एंड्रॉयड 10 से एंड्रॉयड 11 पर है 1.8 GB के साइज़ में, और ये अपडेट आपको ग्लोबल में देखने के लिए मिल चुका है। और मैंने इसके फुल फीचर्स की वीडियो भी बनाई हुई है कि Redmi 9A 12.5 एनहांस अपडेट ग्लोबल में हमें कौन कौन से न्यू चेंजेस यहां पर देखने के लिए मिल जाते हैं। तो आप उस वीडियो को मेरे YT चैनल पर जाकर के चेकआउट कर सकते हैं, या मैंने उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैंने डाल दिया है। तो फिर आप Redmi 9A ग्लोबल स्टेबल 12.5 एनहांस के एंड्रॉयड 11 पर बेस्ड के पूरे फीचर्स की वीडियो वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके बाद अगला डिवाइस आता है Redmi Note 8। तो Redmi Note 8 इसके लिए भी 12.5 एनहांस का अपडेट इंडिया में रिलीज़ कर दिया गया है 656 MB में। तो इंडिया में Redmi Note 8 के लिए MIUI का 12.0.1.0, एंड्रॉयड 11 का इंडिया स्टेबल अपडेट 2.3 GB के साइज में ऑलरेडी फुली रोल आउट हो चुका था। तो अब ये अपडेट हमें न्यू अपडेट यहाँ पे देखने के लिए मिल चुका है 12.5.1.0 656 MB में, और मैंने इसके भी फुल फीचर्स की वीडियो ऑलरेडी बना दी है। तो मैंने इस वीडियो का भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है। तो फिर आप इस वीडियो को भी वहां से चेकआउट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, इसमें आपको बहुत सारे अमेजिंग फीचर्स तो नहीं कह सकते, बस आपके इसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर दी गई है। तो ये चीज़ मैंने आपको पूरे फीचर्स की वीडियो में बताया है कि आपको Redmi Note 8 में इस अपडेट में क्या क्या चेंजेस और क्या क्या आपको इसमें इम्प्रूवमेंट्स देखने के लिए मिल जाती हैं। तो फिर आप उस वीडियो को वहां से चेकआउट कर सकते हैं। और इसके बाद अगला डिवाइस आता है पोको M3। तो पोको M3 में भी इंडिया में MIUI का 12.5.1.0 RJFINXM इंडिया स्टेबल अपडेट 2.6 GB में यहाँ पर रिलीज़ कर दिया गया है। ये एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है। तो आपको पता है पोको M3 में भी एंड्रॉयड 10 चल रहा था, लेकिन अब इसमें हमें 12.5 एनहांस का अपडेट 12.5.1.0 में देखने के लिए मिल चुका है। ये एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ हमें इस डिवाइस के लिए देखने के लिए मिल जाती हैं। तो अब मैं आपको बता दूं कि इसके फीचर्स की वीडियो कहाँ है। तो मैंने इसके फीचर्स की वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है, तो मैंने इस वीडियो का भी लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है। तो फिर आप उस वाली वीडियो को भी यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो इसके बाद अगला डिवाइस आता है Mi 10T और Mi 10T Pro। तो यहाँ पर Mi 10T, Mi 10T Pro के लिए एक न्यू अपडेट रिलीज़ किया गया है 12.5.8.0 का एंड्रॉयड 11 पर बेस्ड ग्लोबल स्टेबल अपडेट 492 MB में, और ये अपडेट अभी तक MIUI 12.5 एनहांस पे चल रहा है और एंड्रॉयड 11 पे चल रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि Mi 11 सीरीज़ में चाइना में MIUI 13 एंड्रॉयड 12 रोलिंग आउट होने स्टार्ट हो चुके हैं, तो ग्लोबल में भी बहुत ही जल्द आ जाएंगे और उसके बाद Mi 10 सीरीज़ में भी आ ही जाएंगे। तो फ्रेंड्स, यही थे आज की वीडियो कि यहाँ पे जनवरी के फर्स्ट वीक में Mi 10T, Mi 10T Pro, पोको M3, Redmi Note 8 और Redmi 9A में 12.5 एनहांस का अपडेट एंड्रॉयड 11 के साथ रिलीज़ कर दिए गए हैं। ये एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप एक वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप मेरे YT चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और शेयर भी कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही।